वाह, ये कितनी सुंदर जगह है और बड़ी भी है। सचमुच ये बहुत बड़ा है। ये कैंपस भारतीय तकनीकी संस्थानों में सबसे बड़ा है। आज 2014 में यहाँ तकरीबन 10,000 विद्यार्थी, 700 प्राध्यापक और करीब करीब 1,000 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल मिलाकर यहाँ 36 विभाग, विद्यालय और केंद्र हैं। अच्छा दादू, जब हम यहाँ आ रहे थे तब आपने यहाँ के अनोखे इतिहास के बारे में बताया था कि ये जगह कभी फ्रीडम फाइटर्स की जेल हुआ करती थी। नहीं नहीं, ये वो भवन नहीं है, ये तो मुख्य भवन है। मैं पुराने भवन के बारे में बात कर रहा था, जिसे आज हिजली शहीद भवन के नाम से जाना जाता है। चलो हम वहां चलें। चलो आओ। ये वही बिल्डिंग है जो कभी कारागार हुआ करता था, दरअसल एक डिटेंशन कैंप। ये जगह, ये तो बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती और जेल तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। जानती हो क्यों? सुनो, बंगाल के तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने एक बार बंगाल सहित मिदनापुर को दो भागों में बांटने की योजना बनाई। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को उन्होंने अपने प्रस्ताव की जानकारी दी। तो अब मिदनापुर जिले को दो भागों में बांटना था, मिदनापुर और हिजली। इस तरह सन 1913 में खड़गपुर के पास स्थित सोनामुखी में घने जंगल का एक बड़ा सा टुकड़ा खरीदा गया और इस बिल्डिंग के निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन इस जिले का विभाजन हो ही नहीं पाया। और ऐसा क्यों हुआ? पहले तो समाज के विभिन्न वर्गों ने इस योजना का विरोध किया और दूसरी वजह ये कि सरकार के पास इस योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं थी। पानी की कमी भी एक और बड़ी वजह थी। सन 1921 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कुछ समय बाद सारा देश साक्षी बना स्वतंत्रता संग्राम के उमड़ते भावों का। सन 1927 में दिनेश गुप्ता ने मिदनापुर में बंगाल वॉलंटियर्स की एक शाखा का निर्माण किया और उनके साथ थी युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं। दूसरी ओर अहिंसा के मार्ग पर कांग्रेस की सक्रियता चरम पर थी। पर ये सब इस बिल्डिंग से कैसे जुड़ा हुआ है? ये जगह एक डिटेंशन कैंप कैसे बनी? इसके लिए 1930 के दशक के भारतीय इतिहास को जानना होगा। क्या तुम जानती हो? 1930, उस साल में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 12 मार्च को दांडी यात्रा के साथ ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार में उथल पुथल मच गई थी और इसके चलते गवर्नमेंट ने 1930 में बंगाल क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया। इस लॉ की वजह से लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार किया जाने लगा। ये सभी क्रांतिकारी साधारण डाकू या चोर नहीं थे, इसलिए इन्हें बंदी बनाने के लिए 3 डिटेंशन कैंप की स्थापना की गई, एक बक्सा दुअर में, एक बहरामपुर में और एक यहां हिजली में। करीब 200 क्रांतिकारियों को इस कैंप में रखा गया। अच्छा, अब मैं समझ गई, ये जगह खाली पड़ी थी इसीलिए इसे डिटेंशन कैंप बना दिया गया ना? बिल्कुल ठीक। जैसा कि तुम देख सकती हो, ये बिल्डिंग चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और उसके बाहर कांटेदार तारे लगी हुई थी। ये कैंप हर वक्त भारी सैन्य निगरानी में रहता था। इसके चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था, ऐसे में यहाँ से भाग निकलना नामुमकिन था। यहाँ के बंदी मैदान में फुटबॉल खेला करते थे, थिएटर करते थे और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी देते थे। दिन में ये इस पूरी बिल्डिंग में खुले घूम सकते थे, पर रात में इन्हें ताले चाबी में बंद रखा जाता था। आपने कहा था कि महिला बंदियों को भी यहाँ पर रखा जाता था? यहाँ नहीं, इस कंपाउंड से बाहर महिलाओं के लिए एक अलग जेल का निर्माण किया गया था। आओ वहां चले। सभी क्रांतिकारी महिलाएं जिनके बारे में हम जानते हैं कभी न कभी यहाँ रही हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए,
ये जेल पुरुषों की जेल से काफी अलग हुआ करती थी। लेकिन ये जगह तो पुरुषों के जेल से काफी छोटी लग रही है। ये ऐसा आज दिखता है, वरना पहले ये जेल पुरुषों की जेल की तरह ही ज्यादा खुली और बड़ी हुआ करती थी। कई महिला क्रांतिकारियों ने लिखा है कि कैसे अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग करके वो अपने जीवन को रोचक बनाती थी। क्या इन बंदियों को कोई कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ी? पूरी तरह से नहीं। इस जगह पर सांप, बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हुआ करते थे। बहुत सारे लोग यहाँ मलेरिया का शिकार होते थे, पर इंदुमती सिन्हा और लीला नाग जैसी महान महिलाओं की देखरेख से वो जल्दी ही ठीक हो जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं बारी बारी से खाना भी बनाती थी। कितना आश्चर्यजनक है ना कि ऐसे हालात में भी उन्होंने इतना सब कुछ किया। हाँ, ये सब उनकी एकता और इच्छा शक्ति से ही मुमकिन हुआ। देशभक्ति की भावना की वजह से वो एक रहे और ऐसे कठिन हालातों में भी जी पाए। इसका कारण था कि वो अपने आप को रोज के काम के साथ पेंटिंग, गार्डनिंग, संगीत, पढ़ना, नाटक और नृत्य नाटिका में व्यस्त रखते थे। काश मैं भी उन महान महिलाओं के साथ यहाँ रह पाती और एक दो अत्याचारी अंग्रेजों को मार पाती। अब तुम्हें अंग्रेज कहाँ मिलेंगे? आज हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु है शिक्षा की कमी, जिससे हमें लगातार लड़ना है। खैर, इस सब के बावजूद उन क्रांतिकारियों की जिंदगी बहुत ही लाचार और निस्सहाय हो जाती थी, और यही इस जेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था। और पुरुषों की हालत क्या थी? वहाँ हालत ज्यादा खराब थी। अनुशीलन समिति के एक सदस्य धीरेन बोस, जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। एक और बंदी ब्रजेंद्रनाथ चौधरी, जो कि चित्तागोंग रेड में शामिल थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, शायद यहीं पर। उस घटना के दौरान मिस्टर ईबीएच बेकर उस जगह के इंचार्ज थे। वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, जो कि हमेशा बंदियों के हक में सोचा करते थे। वहीं गार्ड्स के हेड मार्शल को बंदियों के लिए जल्लाद माना जाता था। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि मार्शल का दाया हाथ एक बंगाली थे, जिनका नाम था अनाथ बंधु चक्रवर्ती। यहाँ के बंदी सिर्फ अंग्रेजों के अत्याचार से ही नहीं, बल्कि पानी की कमी से भी बहुत परेशान थे। इन बंदियों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता था। इन्हें जो अखबार मिलता था, उसमें छपी पॉलिटिकल न्यूज को काली इंक से छुपा दिया जाता था। इसलिए जब भी कोई नया क्रांतिकारी आता, तो सारे क्रांतिकारी उससे बाहरी दुनिया की खबर लेने में जुट जाते। 28 जुलाई 1931 के दिन कैदियों को जज गार्लिक की हत्या की खबर मिली। ये वही जज था जिसने बिनॉय, बादल और दिनेश के ग्रुप के दिनेश को फांसी की सजा सुनाई थी। तब उन्होंने जेल की बिल्डिंग को सजाया और इस बात का जश्न मनाया। कितने बहादुर थे ये लोग, और इस सब पर मार्शल ने कैसे रिएक्ट किया? उस दिन तो मार्शल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत नाराज हुआ। वो कैदियों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचने लगा, और उस दिन जो हुआ उससे मार्शल अपना आपा पूरी तरह से खो बैठा। ऐसा क्या हुआ था? 15 सितंबर को तीन क्रांतिकारी, नलिन दास,
बोनी दास और चिंतामणि दास कैंप से भागने में सफल हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत चिढ़ गए। अगले दिन 16 सितंबर को अंग्रेज कैंप छोड़कर खड़गपुर में बने यूरोपियन क्लब में चले गए। सारे बंदियों को भारतीय सुरक्षा कर्मियों के रहम पर छोड़ दिया गया था और उन्हें बंदियों को टॉर्चर करने का काम सौंपा गया था। अगले दिन लेखक शरद चंद्र का जन्मदिन था और सारे कैदी उनके जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारी में जुटे थे। रात के 9 बजे थे तभी उन्हें नीचे से बंदूक की आवाज सुनाई दी। दो क्रांतिकारी संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेनगुप्ता वहीं मर चुके थे और बहुत सारे लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए थे। कुल मिलाकर करीब 30 लोग घायल हुए थे जिन्हें खड़गपुर के रेलवे हॉस्पिटल में ले जाया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स इस घटना को छुपाना चाहते थे पर बंदियों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने भूख हड़ताल की और मृतकों के शव को घेर कर बैठ गए। वो उन शवों को सिर्फ उनके घरवालों को या किसी राष्ट्रीय नेता को ही देना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों ने उनकी ये बात मानी होगी, पर बंदियों ने ये बात बाहर तक कैसे पहुंचाई? सौभाग्यवश अगले ही दिन दो कैदियों काली बिलास और श्रीमंत भट्टाचार्य की माँ जेल में अपने बेटों से मिलने आई। उन्होंने ही पत्र में लिखी पूरी घटना को कलकत्ता तक पहुंचाया और आनंद बाजार पत्रिका के शाम के विशेष अखबार में इस घटना को छापा गया। रात भर में ये समाचार पूरे कलकत्ता में आग की तरह फैल गए। जब लोगों ने यह सब सुना तो उनका गुस्सा अंग्रेजों के लिए और भी बढ़ गया। और उसके बाद हिजली में क्या हुआ? अगले दिन सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्ता और निपेंद्र बैनर्जी हिजली पहुंचे और उन्होंने संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेनगुप्ता के शवों को कैदियों से लिया। सुभाष चंद्र जी ने देशवासियों को कहा कि मैं खड़गपुर से जिस पीड़ा से लौटा हूं मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हम लोग यहां छोटी छोटी लड़ाइयों में ही उलझे रहेंगे और वहां हमारे साथ ही जेल में कुत्ते बिल्लियों की तरह मार दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, आज हमारे दिलों में केवल एक ही चीख है, हम शहीदों के खून से अपने देश की आजादी की नींव रखेंगे। उस वक्त रविंद्रनाथ करीब 70 वर्ष के थे और बीमार थे, लेकिन फिर भी 26 सितंबर 1931 को
मॉन्यूमेंट के नीचे उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। और उस अत्याचार से बाधित बंदियों को कोई इंसाफ नहीं मिला? एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। उस कमेटी ने फैसला दिया कि हत्या करने वालों का तबादला कर दिया जाए और बंदियों को अनुशासन में लाने के लिए मिलिट्री कमांडेंट कप्तान विल्स को वहां भेज दिया गया। ये तो बहुत अजीब हुआ। उस घटना और कमेटी के इस फैसले पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी जिसका नाम था प्रश्नो। मैं वो कविता जानती हूँ, उसका अर्थ भी अब समझ में आने लगा है। वो कैसे? जैसे कि ये लाइन, आमी जी देखी ची गोपन हिंसा कोपोट रात्रि छाए हेने छे निश्चय, आमी जी देखी ची प्रतिकार हिन शक्तेर अपराधे बिचारेर वाणी निरोबे निभृते का दे। ये कविता जरूर इस घटना के बारे में ही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं लगता कि बंदियों ने ये सारी घटना बिना विरोध के सही होगी। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति इस हत्या और इंक्वायरी कमेटी के लिए जिम्मेदार था उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो कौन था? मार्शल? नहीं, वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डगलस। और उसे क्या हुआ? 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर कॉलेज के दो विद्यार्थी प्रद्युत भट्टाचार्य और प्रभांशु शेखर पाल ने डगलस को मौत के घाट उतार कर इस घटना का बदला लिया। आपने कहा था कि गांधी जी भी इस जगह पर एक बार आए थे। इस घटना के पूरे 6 साल बाद 17 नवंबर 1937 को गांधी जी हिजली आए थे। उसके बाद उसी वर्ष महिला जेल को बंद कर दिया गया और 1938 में हिजली कैंप भी बंद कर दिया गया। और फिर इस बिल्डिंग में आईआईटी बनी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया था। इस कैंप को 1940 में फिर से खोल दिया गया, लेकिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसे बंद कर दिया गया। इस विश्व युद्ध में एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान। तब जापान भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। ब्रिटेन की सहायता के लिए अमेरिका ने अपने विमान भेजे। खड़गपुर के नजदीक चाकुलिया, धूतकुंडी और कलयकुंड में अमेरिकी वायुसेना ने अपने बेस बनाए। जंगलों से घिरी ये जगह रेडियो कंट्रोल रूम के लिए बिल्कुल ठीक थी, इसलिए अमेरिकी सैनिकों के लिए रातों रात ये कैंप खाली कराया गया। अब तक हमने भारत में अंग्रेजी शासन में हुए जुल्म की बातें की, पर सभी अंग्रेज अत्याचारी नहीं थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो वाकई हमारी सहायता करना चाहते थे, खास तौर पर शिक्षा में। वेस्टर्न और मॉडर्न शिक्षा को इस देश में लाने का श्रेय ऐसे ही लोगों को जाता है। लेकिन फिर ये आईआईटी इस बिल्डिंग में कैसे बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों को शिक्षित लोगों की जरूरत पड़ने लगी जो निर्माण कार्यों में उनकी सहायता कर सकें, जो फैक्ट्री बना सकें, और उन्हें इंजीनियर्स चाहिए थे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। तो फिर क्या अंग्रेजों के समय में ही आईआईटी बनाने के बारे में सोचा गया? हाँ, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एवी हिल को हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर एवी हिल ने अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी एक तकनीकी संस्था बनाने की सलाह दी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और शरारती सिर दलाल के प्रयासों की वजह से 1945 में नलिनी रंजन सरकार के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसमें वैज्ञानिकों, शिक्षकों और उद्योगपतियों को शामिल किया गया। इस समिति ने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का सुझाव दिया। 19 फरवरी 1947 को तब के हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मेंबर इन चार्ज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। सरकार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था को पूर्वी भारत में बनाना था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय ने इसे बनाने के लिए हिजली का चयन किया। हालांकि इसे बनाने का काम कलकत्ता के 5 एस्प्लेनेड रो ईस्ट में पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ये एक अलग ही कहानी है। हम इस भवन की कहानी की चर्चा कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था वो सच साबित हुआ।
क्या सच साबित हुआ दादू? जैसा उन्होंने कहा, शहीदों के खून से अपने देश की आजादी की नींव रखेंगे। यही वो जगह है जहां नई शुरुआत की नींव रखी गई, सबसे पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं पर स्थापित की गई। वो कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? जब इस बिल्डिंग में आईआईटी की शुरुआत हुई। ओ हाँ, वो 18 अगस्त 1951 का दिन था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कैलाशनाथ काज्जू, मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पहले डायरेक्टर प्रोफेसर ज्ञान चंद्र घोष भी मौजूद थे। इसके बाद आईआईटी का बहुत विस्तार हुआ। 1990 में इस बिल्डिंग का एक भाग नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में बनाया गया। सच में इसका इतिहास कितना अनोखा है। इसका निर्माण हुआ था हिजली के हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए, पर वो यहाँ पर कभी बने ही नहीं। बाद में इसका उपयोग क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए होने लगा। फिर यहाँ उन पर जुल्म ढाए गए और यहाँ की मिट्टी शहीदों के खून से रंग गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बिल्डिंग में अमेरिकी वायुसेना के हेडक्वार्टर्स बनाए गए और आखिर में इसमें पहले आईआईटी की स्थापना हुई। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें वो कविता प्रश्न पता है ना? हाँ, मुझे पता है। चलो एक काम करते हैं, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये कविता गाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भगवान तुम्हें जुगे जुगे दूत पाठाए छो बारे बारे, दया ही संसारे, तारा बोले गेलो क्षमा करो सबे, बोले गेलो ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।